हाँ। आपने बी ले ली कार हाँ। ले भी बी तो सीधा <laughs> अगर ये तो होना चाहते हैं आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से थैंक यू सतीश भाई सर और जो लोग मुझे जानते थे उनके एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने अभी अभी आई बॉम्बे से एक साल पहले ग्रेजुएशन किया है दो में मैंने एडमिशन लिया था वहां पर एंड मैं अभी प्लस पे एक केमिस्ट्री टीचर हूं और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी है तो बेसिकली हम इस वीडियो में आपके बारे में तो हम बात करेंगे ही बट ज्यादातर हाँ। जो हमारा फोकस होगा कि लाइक एक स्टूडेंट फाइनेंशियली हाँ। कैसे फ्री हुआ हाँ। उसके हाँ। बारे में बात करेंगे कैसे सचिन भाई ने अभी हाल ही में बी एमडब्ल्यू खरीदी सबसे पहले तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन <laughs> सचिन <laughs> भाई थैंक यू सर थैंक यू सर कभी कभी घुमा कभी रहे हो आप <laughs> जब सर जैसे मुंबई आएंगे बस पहली राइड आपके लिए सर वहां पे तो <laughs> क्या बात है और कौन सी से सेवन सीरीज ली थी ना आपने सीरीज सीरीज सर ओके लास्ट okay. वीडियो में हमने ऐसी बातें करी थी कि आपने ले नहीं लेनी चाहिए लोगों को हाँ बट हाँ हाँ आपने बी ले ली कार हाँ ली भी हाँ हाँ तो बी ले, ले ली सीधा लोगों के बड़े कमेंट्स आए कि ये लड़का बोल रहा है कि यार कार वगैरह लेना पैसे की मतलब बर्बादी है और बंदा खुद <laughs> बी ले रहा है क्या बोलोगे इस पे देखो सर दो तरह की चीजें होती है सबसे पहले वो लोग जो सीधा जितना उन्होंने कमाया वो डाल देते हैं गाड़ी के ऊपर घर के ऊपर और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जिन्होंने वो कही ना कहीं कहीं ना से गेन किया होता है जैसे फॉर फॉर ओवर एंड द इन्वेस्टेड अमाउंट अगर अगर मैं रफ़ली बोलना तो example, okay. आपने एक लाख इन्वेस्ट किया तो वो दस लाख बन गया तो जो नौ ah. लाख का प्रॉफिट बन रहा ना उसके शॉपिंग करने का ऐसा। okay. ये बेसिक है। तो मतलब लोगों को आप हिंट दे कि, आ, आपने लिया था मतलब रिटर्न लिया था मतलब uh, बोल सकते हैं रफली है <laughs> क्या बात है तो एक स्टूडेंट जिसकी एज हाँ हाँ अभी तेईस साल है लाइक like आपकी उम्र आई थिंक तेईस साल है ना हां 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 23 साल में लोग कमाना शुरू करते हैं और हाँ आप अभी फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो हाँ हाँ इतना आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है इतना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बेसिकली हाँ हाँ और हाँ हाँ कि आप अपनी लाइफ एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो राइट हाँ हाँ जो लोगों हाँ का ड्रीम होता है तो सचिन भाई मेरे को बताओ कि ये शुरुआत कब हुई लाइक ये फाइनेंशियल जर्नी आपकी कब शुरू हुई कब से आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और कहाँ कहाँ शुरू किया अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताऊँ इस वीडियो के तो अंदर जो मैंने कभी भी नहीं बताया किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने आई बॉम्बे के जाते ही मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था जो मैंने फर्स्ट वीक है फर्स्ट वीक से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि तो जब मैं क्लास टेंथ में था तब मेरे मैथ टीचर का मेरे पर बहुत भयंकर इन्फ्लुएंस था कि मैं कैसे इंप्रूव किया उस सब्जेक्ट के अंदर तो मुझे लगा कि टीचिंग में आप बच्चों का कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो ताकि वो जिंदगी में और आगे बढ़े इसलिए जितना भी मैंने वहाँ से गेन करना स्टार्ट किया छोटी छोटी कोचिंग में पढ़ा पढ़ा के वो सब मैंने धीरे धीरे करके एस में डालना स्टार्ट कर दिया अब उसके पीछे रीज़न क्या था जो मेरे पापा है उन्होंने मुझे शेयर्स दिखाए थे जब याद है आपको जब पहले के जो शेयर्स होते थे ऑनेस्टली बोलना था स्कैम होता है किसी को दस गुना पैसा हो गया एक साल के अंदर बीस गुना कैसे हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे रिसर्च स्टार्ट किया लाइक बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया रिच डैड पुअर डैड फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये सब करने के बाद समझ आया हाँ भाई ये चीज सच्चाई होती है

तो जब आई जाते तो फिर लाइक थोड़ा पढ़ के भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो हाँ। तो फिर इसलिए सैटरडे संडे छुट्टी होती थी से, तो मैंने नहीं है। मुझे करना है कुछ जिंदगी में बाकी लोग पार्टी करने जाते थे मैं इस बात पर लाइक हो जाना चाहिए सचिन भाई के लिए और सच में मतलब ये जो पार्टी जो अवॉइड करते मिल रहे दबाव अच्छा आप बता रहे थे आपने वहां पे सीखना शुरू किया था

Because इतना पहले आपको पता चल चुका था सर uh, मेरे एक दोस्त है ना सर वो सब ये गेम वेम खेलता रहता ऑनलाइन तो वहां पर तो मुझे समझाया कि भाई देखो ये चीज़ कैसे बढ़ रही है तो उसने मुझे समझाया तब इथेरियम पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था okay. इथेरियम मैंने थोड़े से खरीद लिया था तो बिटकॉइन में थोड़ा थोड़ थोड़ा डालना स्टार्ट किया था लाइक बहुत ज्यादा नहीं लाइक उस टाइम बहुत कम लिया था मैंने और अभी अभी जैसे अभी काफी डीप आया था इसमें आपने किया हाँ हाँ

ये वर्क कैसे करता है क्या चीज़ है ये क्रिप्टो तो मैंने खुद पचास हजार रुपये ऐसे मैंने डाले थे ठीक अच्छा, है और फिर देखा मैंने कुछ थोड़े बहुत पैसे बढ़े और फिर मैंने निकाले ठीक है एंड जैसे निकाले उसके एक हफ्ते बाद ए डी पाया अच्छा तो अच्छा, मैं तो अच्छा। बड़ा खुश हो गया कि भाई चलो मेरे, <laughs> मैं नेगेटिव नहीं गया मतलब मेरे पैसे हाँ तो फिर जब मैंने देखा काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे ग्रुप्स है फेसबुक पे कि लोग बातें हाँ। कर रहे हैं कि ए डिप है इसमें डाल सकते हैं बाद हाँ। में लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है हाँ ए, ए डिप कई बार आया इवन अब भी आजकल की न्यूज़ है कि आर हाँ। ने जो भी बैन वगैरह लगा था कि बैंक के थ्रू हम डिपॉजिट नहीं कर सकते जो भी हाँ। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है तो वो हटा दिया बैन चारे तो चारे ये सारी चीजें हटने के बाद अभी अचानक से फिर से क्रिप्टो बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये जो इतना इतना मतलब अटाइल है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे क्रिप्टो? हाँ। तो बहुत भयंकर है बट हमें पता ही हाई हाई है तो इसे अच्छा बैंक में डालोगे तो चार में जाएगा इन्फ्लेशन हम इसको इन्वेस्टमेंट इसको देख सकते हैं या फिर ऐसे गैम्बलिंग के तौर पे देख सकते हैं <laughs> <laughs> सची बताओ तो भाई मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था बहुत पहले कि द रिच पीपल सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी द पुअर पीपल सी दिस एज अ स्कैम तो वही वाली बात है नहीं तो नहीं, तो नही चलिए मैं इस चीज से आग्री करता हूँ देखिए ये तो बड़ा डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा मैं बस हाँ। ये ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप 2016 से कर रहे हो ठीक है नेट में नुकसान तो हुआ ही नहीं है मतलब बिकॉज तब से बड़ा नेट में नुकसान नहीं हुआ आपका हाँ हाँ ओके okay, तो क्या हमें जैसे कि खरीदा हमने फिर जैसे थोड़ा बड़ा तो थो हमें बेच देना चाहिए या फिर होल्ड रखना चाहिए या फिर डीप आया तो हमें रुकना चाहिए मेरे हिसाब से दो प्रकार के बंदे होते एक होता है इन्वेस्टर एक होता है ट्रेडर तो okay. मेरे हिसाब से इन्वेस्टर बनो इनिशियल लेवल पे फिर जब okay. आप अच्छी तरह सीख जाओ क्या रूट्स होते हैं इस पूरे प्रोसेस के फिर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो अगर सौ रुपए हैं तो मेरे को इस सौ रुपए को

कर सकते हो सेल कर सकते हो इसका प्लेटफॉर्म काफी सिंपल है सिक्योर है और समझने में काफी इजी है यहां पर आपको सिंपल सा के करना है और अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना है और आप यहां पर माइक्रो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो यानी कि सिर्फ दस से ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और दोस्तों अगर आप सत्तीस हंड्रेड यूज़ करते हैं कूपन कोड तो आपको सौ रुपये का बिटकॉइन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा और यहाँ पर किसी भी ट्रांजेक्शन का कोई फी नहीं लगेगा और 24/7 कभी भी आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉ कर सकते हो सेफ्टी के विषय में अगर बात करें तो यह बिटको द्वारा एकदम सुरक्षित है साथ ही साथ आईएसओ सर्टिफाइड है और टू स्टेप ऑथेंटिकेशन भी इसको काफी ज्यादा सिक्योर बनाता है इसके अलावा दोस्तों अगर आपको क्रिप्टो या फिर ब्लॉकचेन जैसी चीजों के बारे में आपको सीखना है तो आप डीसीएक्स लर्न प्लेटफॉर्म से आप जाके सीख सकते हैं DCXLearn.com से तो दोस्तों अभी डाउनलोड कीजिए इंडिया का सबसे सेफेस्ट और सिम्पल बिट क्वाइन ऐप क्वाइन डीसीएक्स गो और दोस्तों आप हमारा कोड यूज करें सतीस हंड्रेड जिससे आपको सौ रुपये का बिटकॉइन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा लिंक इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अभी आप चेकआउट कर सकते हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं लाइक एक स्टूडेंट जैसे हाँ। आपने तो चलिए मान लो आपने कॉलेज के टाइम से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था हालांकि मेरा भी मानना है क्योंकि मुझे तो उस वक्त पता ही नहीं था जब मैं कॉलेज में था तो मुझे इतना पता ही नहीं था इन सब के बारे में आइडिया ही नहीं लगा तो अभी तो लाइक like, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इतना uh, जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है इसकी वजह से लोगों को पता चल चुका है कि पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए बट फिर भी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो अगर ये जो भी वीडियो देख रहे हैं तो उनको फाइनेंशियली अगर फ्री होना चाहते हैं बहुत जल्द

उसके बाद जो हमारे पास बीस प्लस तीस बचता है तो बीस हाँ। परसेंट जो मतलब जो बीस रुपए है सौ में से वो अपन इन्वेस्ट करेंगे या पच्चीस रुपए अपन इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड्स के अंदर बिकॉज उनका डाइवर्सिफाइड okay. पोर्टफोलियो होता है तो होता एक कंपनी नीचे भी जाए दूसरी ऊपर भी जाए तो नेट में बैलेंस आउट हो जाता है Correct, और हाँ। जो थर्टी परसेंट है जो हमारा नेट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपन यूज़ कर सकते हैं फॉर एजुकेशन और जो एक्सपेंसिज हमारे बन के आते हैं उस पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर तो ये स्टार्टिंग लेवल इन्वेस्टर को करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी ग्रेट इसके बारे में हमने एक एक वीडियो में बात किया था एस एट योगी सबके हाँ, साथ हाँ, में किया था हाँ, काफ़ी हाँ, सही उन्होंने समझाया था इसके बारे में तो जो ऑडियंस को 50 30 20 को अच्छे से समझना है वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो जैसे मान लो आपने पढ़ाई के टाइम पर आपने बोला कि फर्स्ट ईयर से ही आपने पढ़ाना शुरू कर दिया था दूसरे बच्चों को तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं इनको क्या पढ़ाई के साथ क्या क्या कर सकते हैं आप कुछ सुझाव देंगे

एंड देन फिर उसमें जाओ लाइक उसमें जो जो इन्वेस्ट वगैरह करो या फिर पैसे अपने डालो हा, हा, हा। तो इस तरीके का अप्रोच रख सकते हैं क्योंकि बेसिकली जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने ऐसे ही करी थी ऐसा नहीं कि मैंने अपने पैसे डालने शुरू कर दिए थे ऐसे ही किसी को देख के मैंने पहले समझने की कोशिश करी कि ये काम कैसे करता है चाहे शेयर मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे वो क्रिप्टो हो हर एक चीज को मैंने अच्छे से परखा उसके बारे में हिस्ट्री जानी कहाँ से शुरू हुआ कैसे हुआ एक्चुअल में इसमें होता क्या है इसके स्कैम्स इसके, क्या क्या होते हैं इनमें क्या क्या स्कैम्स होते हैं तो सचिन भाई जैसे लोग बोलेंगे कि यार ये तो आईआईटी से आई आई टी से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया इसकी सैलरी भी इतनी है काफी ज्यादा क्योंकि लास्ट वीडियो में अपने सैलरी के बारे में डिस्कस किया था तो हाँ। लोग ऐसा बोलेंगे बट मुझे लगता है जो मीडियॉकर हैं जो एवरेज लोग हैं एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए आप कैसे बताओगे वो कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं मतलब इसमें मैं एक सिंपल लाइन बोलना चाहूंगा जो मुझे फर्स्ट ईयर से हुआ रिलाईजी जाके

हाँ, सबसे नॉलेज गेन कीजिए क्या बात है क्या बात है थैंक यू सो मच सचिन भाई काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड गाइस अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी लोगों को पता चल सके कि यार हम काफ़ी कम एज में कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं साथ ही साथ जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस लेके आता रहता हूँ तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो Mata